नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा चल। दोस्तों अभी हमें गांव जुलाणी में मौजूद है और यहां पर रेलवे ट्रैक है जो किसानों ने जाम कर रखा है। किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि 26 तारीख को भारत बंद होगा, तो उसी को लेकर किसानों ने, और ये गांव वैसे भी पहले से फेमस है हर फुलझाट जुलाणी वाला, आप सभी जानते होंगे, इसी गांव में आज फिर रेलवे ट्रैक जाम किया। और हमारे साथ आप देख रहे हैं महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं, पुरुष भी हैं, और पूरा पूरा ट्रैक जाम कर रखा है। तो यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ, इनसे बात भी करेंगे। राम राम ताई। राम राम। और ताई ठीक ठाक है? ठीक ठाक। ताई किस तरह चल रहा जो आपने भारत बंद का आह्वान किया था किसान संयुक्त मोर्चा ने, तो किस तरह चल रहा जो आज भारत बंद है? बेटा एक नंबर का चल रहा है। और हम तो जो किसान ऐलान कर रहे हैं ना, वो महीने पहले बता दे है कि मैं यो काम करूंगा, रेल बंद करूंगा, रोड बंद करूंगा, अब भाई हम दिल्ली कूच कराएंगे, आप ट्रैक्टर कराएंगे। और भाई मोदी है चोर, मोदी ने दो रात ना बंद कमरे में करे है। और एकदम तो यो बता दे खबर मैंने यो कर दिया, जिस तरह नोटबंदी करी 9 बजे बोल दिया किसा की सलाह नहीं ली। और भाई किसान है साफ दिल का, किसान तो ऐसा है जैसे सफेद कपड़ा, ये सफेद कपड़ा है तो किसान का, और यो पार लिया मोदी ने। मैं तो इनको इन सारे जो नेता है ना, इनका कोड है ना काला ड्रेस होना चाहिए। लेकिन ताई बनाकर तो दिल बनाकर तो आप इन्हें भेजे, आप इनका पीछा फिरे थे जब तो हम ये हमारे पीछे फिरे थे बेटा, ये गली गली में रात भांडे थे, हमने वोट दो झंडे तो आपने उठाए थे, झंडे हमने नू नहीं बेरा था। अगर मोदी नू कहा करता किसाना का मैं नू कर दूंगा, लड़कियां के लिए नू करूंगा, स्कूल खोलूंगा, बच्चा ने नौकरी दूंगा, ये काम बोल रहे थे ना। हमने सोची मकाले भाई कई साल हो गए कांग्रेस ने, ईब का बदल के देख लिया, रोटी खावा थे ईब के परोठा खा के देख लिया, तो हमने नू नहीं बेरा था, परोठे का स्वाद ही सा होगा, अपनी दाल ठीक अगर किया। हाँ अपनी दाल रोटी गई थी। अरे बेटा ईसा अन्याय है ना, मैंने तो ना तो पाकिस्तान में देखे ईसा अन्याय, हम ना तो कितने सुनते ईसा अन्याय देखे, भाई हमारे माँ बाबू दादे हमारे आगे बताओ थे भाई सामने सारा जन देखा, राजा वो है जो प्रजा के बीच में आवे और प्रजा की सुन। अरे एक गलत हो जाए, दो गलत हो जाए, अरे सारे किसान गलत है। दो दो भी गया था हमारे जमीन बेटा, हमारे एक दो बेटा, अरे भाई वे हमारे नन्ना थे बेटा ने नौकरी जो लाग रहे थे उनकी छटनी कर दी, वो हटा दिए, स्कूल तोड़ दिए, जो भाई ये हैं अस्पताल प्राइवेट, बैंक हुए प्राइवेट, रेलवे बेच दी, अरे जो लाग रहा था वो घर बैठ गया, हम के खावेंगे जो सारे थारे तुम बेटे रेडी लाउन लाग जाओगे, और तो फिर ये वो केम कौन करेगा, इतनी फसल आना था हमारा भाग को नहीं, तो हम तो ना तो रेडी लाउन जोगे छोड़े बोले था बरे पकोड़ा तलेंगे। हाँ तो नहीं इस ना भाई ना तो चाय बेची थी, इसने तो ना तो नहीं बेरा किसान खेत में पानी लावा कितनी मेहनत कर रहा है, कंधा कसी धरी ना कदे भाई इसकी ना कदे जवारे देखे नहीं खेत का किसा काम हो, डांगर रखे ने पशु रखे ने इन भाई पोलोथीन का दूध पिया, पोलोथीन का दूध हमने पहना सामान, तो भाई ये 100% गलत है, 1% भी सही को नहीं, बाकी भाई इसके हाथ में कलम देखो कितने दिन रहेगी। चलो मोदी जी तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरे चोटा किसान नेता बन कहते किसानों ने बना भी था, वो भी ये कह रहे इन बिलों से किसानों का फायदा है, वो विपक्ष बुका रहे हैं, वो कह रहे हैं ना, फिर वो भाइयों के बीच माँ के क्यों नहीं कहता जब बिल सही हो, 4 महीने हो गए हमारे किसी भाई के बीच माँ के नहीं कहता हो ना, हमारे घर के जब दरवाजे खटका करते जब कहता अकबान हो माताओं में हाथ जोड़ कर कुन बेला उन आमों के नुकसान गणावा है, वो दुष्यंत हमने फायदा क्यों नहीं बताता, क्यों फायदा है हमारा, कोई फायदा नहीं, फायदा दुष्यंत कर खट्टर का 3.5 साल हो गया बने ना 3.5 रह गए, मैं तो नहीं दुष्यंत बेटा भर लेते जितने बोरे भरे जा, अगर तेरी साथ पीढ़ी राजनीति के मार जा ये किसान बावड़ा को नहीं, किसान शाना हो गया। ताई जुगर पहला ही भारत बंद किया था, रेलवे ट्रैक जाम किया है, टोल प्लाजे फ्री कर रखे हैं, और आज भारत बंद किया तो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है? सरकार पर तो प्रभाव है, सरकार के भी इतना घाटा हो गया, अब देखने लग रहा उसकी बेइज्जती होने लग रही है, इनके जलूस लकड़े जिस राजा के जिस सरकार के जलूस लकड़न लग जाए तन को रुक, जो जलूस है खट्टर में बैठा हो जलूस उड़ा बैठे हो जलूस, अरे इतनी मुंडी का है पीछे मानस मर जाए इनका ताप भी ना चढ़ता, पहला क्या करते झूठ बोल रहा आदमी मर जाए। हाँ इतनी बूढ़ी इतनी गाल सुने, अरे नारायण तने नींद क्यों करावे है, इतनी गालाएं तो पेट भर जा रहे, रोटी क्यों कर खाएंगे, इनका रोटी की भी खाते होंगे कि गालाएं तो सोए, अरे हमारी दिन की तो भूख जा रही है, रात की हमारी नींद जा रही, अरे इन शराब को नहीं सहता है कहते भी नहीं डरते।
भाई आज है ना यार फूल जाके जलाने वाले नहीं सुनाते तड़वाए औरतों का मान सम्मान दवाया। और एक भाई मैं आ रही है फौजी की बहू हूँ और किसान की बेटी हूँ और सूरज माता का सहमी बैठे हैं। अरे मैं तो नहीं पूरे दुष्यंत रे खट्टर रे मोदी आज भी तुमने सोधी आज इतना ना साक्ष नहीं होता कुछ नहीं बिगड़ा है बीबी देश का नाश ना करो थारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मारे लाल मरे जुकर जी बिल्कुल शांति प्रिय से किसान आंदोलन चल रहा है जमा आराम से किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो रही है किसानों की तरफ से लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि इनको किसी भी तरह से हटाया जाए। ये बेटा बेरड़ा के छत्ते में डड़ा मार है अगर बेरड़ छड़ा हम ना खावा फिर मारे छत्ते उठते कौन है एक आधी बेरड़ लकड़े है वो एक आधे का डंग मार कर उल्टे छत्ते में जा बैठे। और कल भी वीरेंद्र सिंह ने रैली निकाली थी बाइक रैली छोटू राम के नाम से तो उनके भी ये कह रहे थे कि भाई ये हम किसानों की पंचायत करेंगे वहाँ पे। देखो खटखड़ में सामने उल्टे बजा दिए बाकी मैं उसी जिले की सापले के पास मेरा गांव छारा मांड होती है रो तकाला ने सापला ने ये कह दी भाई तू छोटू राम के नाम था आज तक 40 साल हो गए कमाते खाते ना आज तू सापले में बढ़कर दगा जा जितनी बोटी बोटी नहीं कर दें अगर बिरेंदर बिरेंदर के घर आई रही जाकर छोटू राम पर चढ़ा दी होती फूल माला कर दो पंचायत जब सापले में आ जा लकड़ लेम दिया तो हमने जाटा का पैदा किसाना का पैदा नहीं होया उड़े का है उड़े है मेरा गांव छारा मांड उठी तो ताई 4 महीने हो गए तो आगे और कितना लंबा चल सकता है आप कब तक सीएम बना के रखोगे। देखो दुख पा का सुख है हमने तुम बेटा बेटी जम्मा हम्मा 9 महीने पेट में रखा 9 महीने दुख पा का लकड़ो है ना बालना पाला हां आले में सोवा तुमने सुके में सवावा जब हमने फायदा मिल रहा है ये 4 महीने हो गए भाई चाहे ना 3.5 साल 4 साल हो जाओ ना इतना कानून वापस लेगा हमारी मांग नहीं मानेगा इतना भाई धरना खत्म नहीं। तो अभी आगे का क्या रहेगा जैसे अब आगे तो... का यही रहेगा देखो भाई ये पंचायत है जो बड़ी महा पंचायत है ये जो कर बताओगे इन बड्डा का घर मारा पाछा ठीक है। हाँ जी तो बेटा देख श्री कृष्ण मारे का नाला गया था पांडु 5 थे कौरव 100 थे तो सत्य की जीत हुई कदे भी हुई हो जीत होगी किसाना की एक देर है अंधेर नहीं। हाँ देर है अंधेर नहीं जीत होगी किसान की निश्चिंत है 100% है। क्या नाम है मेरा प्रेम तिवारी ठीक है धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख रहे हैं भाई जुलाना रेलवे ट्रैक पर है और किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया जो किसानों का आह्वान किया था जो भी किसान आह्वान करते हैं पूरा देश के किसान उसको पूर्ण रूप से बिल्कुल पूर्ण रूप से शांति से पूरा करते हैं। तो जिस प्रकार से आज भारत बंद का आह्वान किया था शांति प्रिय बिल्कुल प्रेम की भावना से किसानों ने यह दिन और भारत बंद बिल्कुल शांति से किया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कॉमेंट के जरिए से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।